नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पद का फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं एक और टॉपिक लेके आया हूं, अगेन फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू। ऑलरेडी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वन पूरा कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं दैट वी आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स ऑन प्रेशर वेसल। ऑलरेडी हमने कल टाइप वन किया था, आज टाइप वन का ही दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं और ये थोड़ा सा अलग है, तो मेरे को लगा कि आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आना चाहिए। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर मत भूलिएगा, तक मैं ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, यानी कि जो हमारे चैप्टर का नाम है प्रेशर वेसल्स, के तमाम डेरिवेशंस वीडियो मीन्स न्यूमेरिकल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये चैप्टर जस्ट हमने स्टार्ट ही किया है, तो नियर अबाउट थ्री टू फोर टॉपिक्स अभी तक हमने काफी कवर कर लिए। जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे आपको काफी सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वजह से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, क्योंकि आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया है, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बढ़ रहे हैं, ठीक है। देन फ्लूइड मशीन्स भी मैंने सारा कवर कर दिया, तो उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, आपको काफी नॉलेज हुई है। तो अगर लगता है कि हमारी वजह से कुछ आपको फायदा हुआ है तो प्लीज दिल खोल के आपको जो भी अमाउंट लगे डोनेट कीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में समझेंगे, साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, ठीक है। ओके, आपको मालूम है कि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल की आप गिवन डेटा लिखते हैं तो एटलीस्ट, और साथ में बनाते हैं डायग्राम, तो एटलीस्ट एक मार्क्स तो पक्का हो जाता है। तो एटलीस्ट मेरी कोशिश है कि जब भी मेरे स्टूडेंट्स अगर आप हो, ठीक है, आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपका एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूं, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनको फॉर्मूला रटा हुआ होता है, उसमें मिस वैल्यूज डालते हैं और आंसर कभी आ जाता है कभी नहीं आ पाता, तो ऐसा यहां पर नहीं होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन देखेंगे अगर कहीं पर जरूरत है यूनिट कन्वर्जन की, तो कैसे हर एक चीज को बेसिकली समझा जाए। तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, अगेन फ्रॉम द टाइप वन, ठीक है। अ सिलेंड्रिकल शेल हैविंग 1 to 50 mm मेन डायमीटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग 4 mm थिक प्लेट्स। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन जो है प्रेशर वेसल का है, ठीक है। अब प्रेशर वेसल दिखती कैसे है, अगर आप एकदम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगी। मैं पहले तो आपके लिए एक प्रेशर वेसल यहां पर बना देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरह की दिखेगी। अब ये जो है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर का जो हेड होता है वो फ्लैट भी हो सकता है, हेमिस्फेरिकल हेड होता है, टॉरिस्फेरिकल हेड होता है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे, ठीक है। ओके, और इसकी डेफिनेटली कुछ थिकनेस तो होगी, ओके। अगर मुझे अंदर प्रेशर मेंटेन करना है तो अंदर डेफिनेटली कुछ थिकनेस तो होगी, डेफिनेटली, ओके, कुछ इस तरह का इसका वो रहता है, ठीक है। बाकी मैं एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा बेटर करने के लिए इसको साइड से शेड कर देता हूं ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थिकनेस, हो गया कुछ इसी तरह का है। तो कोई भी प्रेशर वेसल ले लीजिए, आपको कुछ इसी तरह का यानी कि डायग्राम देखने को मिलेगा। और आप जो देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है बट ये कट व्यू है, ठीक है, ओके। अगर इसी चीज को ऊपर से देखेंगे तो किस तरह से लगेगा, ये ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल ही दिखेगा यहां पर और कुछ नहीं दिखने वाला, हो गया। और इसकी ये थिकनेस होगी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसकी थिकनेस को भी यानी कि शेड कर देता हूं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और साथ साथ में वैल्यूज जो भी गिवन डेटा है वो लिखते जाएंगे, हो गया ये, ओके। चलिए, अ सिलेंड्रिकल शेल हैविंग 1 to 50 mm मीन डायमीटर। अभी देखिए हमने कल देखा था क्वेश्चन में कि हमने सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस देखी थी और एक हूप स्ट्रेस देखी थी। आपने उसमें कुछ टर्म्स नोट किए होंगे कि कुछ इंटरनल प्रेशर होता है, अंदर क्या होगा, अंदर प्रेशर होगा इंटरनल प्रेशर। तो ये जो भी हमारी इक्वेशन आई हुई है, क्या बोलते हैं हमारी, एक सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस की और एक हूप स्ट्रेस की, ठीक है। सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस तो एक ही है, एक ये हो गई और दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ये जो इक्वेशन आई है ये बेस्ड है इंटरनल प्रेशर पे इनर डायमीटर पे, ठीक है, ओके। क्योंकि प्रेशर तो अंदर ही रहेगा गैस का, अगर हम गैस को स्टोर कर रहे हैं अंडर प्रेशर रख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो डायमीटर दिया हुआ है दैट इज योर मीन डायमीटर। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट मीन डायमीटर। अब ये मीन डायमीटर क्या होता है, क्योंकि आपने तो ये पढ़ा ही नहीं है, हमने तो अभी तक क्या देखा, इंटरनल डायमीटर देखा है, ठीक है, इंटरनल
डायमीटर। ओके अब देखिए ये इंटरनल हम इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये तो हो गया आपका इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ओके मैं आपको मेन डायमीटर है ना थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूं। ये डायग्राम है ना थोड़ा सा छोटा हो गया, एक काम करता हूं इसको बड़ा करता हूं क्योंकि इसमें मेन डायमीटर नहीं तो आपको समझेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया कुछ इस तरह से अगर ऊपर से दिखा तो। ओके चलेगा, ये हो गई आपकी थिकनेस। ओके ठीक है ये हो गया आपका इंटरनल डाया हो गया। ओके अब याद रखिएगा मेन डायमीटर क्या होता है। देखिए ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला ये जो हो गया आपका, ये हो गया आउटर डाया, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं आउटर डाया। तो मेन डाया जो होगा वो आपके इंटरनल डाया और आउटर डाया के बीच का डाया, मतलब वो यहां तक का डाया है। काम करता हूं यहां बताता हूं, ठीक है। ये हो गया आपका डी मीन यानी कि मीन डायमीटर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ना ही ये इंटरनल है ना ही ये आउटर है, ये इंटरनल और आउटर के दोनों के बीच का डाया है। क्लियर हो गया। ओके बट ये जो हमारे पास सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालने की एक इक्वेशन है उसमें जो प्रेशर यूज हुआ हुआ है वो इंटरनल प्रेशर यूज हुआ है और उसमें जो डायमीटर है वो इंटरनल डायमीटर है। उसमें आपको देखिए कुछ इस तरह की इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी अगर आप सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू देखते हैं तो। उसको डिनोट करते हैं सिग्मा वन से, या फिर एक काम करता हूं सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस को लिखूंगा सिग्मा सी, दैट इज योर पी डी अपॉन टू टी। क्लियर हो गया। ओके और वही हम क्या देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की लगभग इसकी हाफ होती है पी डी बाय फोर टी, ठीक है। जहां पर जो पी है वो इनसाइड प्रेशर है, डी जो है आपका इंटरनल डायमीटर है। तो यानी कि जो दोनों वैल्यूज हैं यानी कि जो दोनों इक्वेशन है ये बेस्ड हैं किसके ऊपर, इंटरनल डायमीटर के ऊपर। ओके चलिए और क्या दिया हुआ है। तो उसको बनाया जाता है एक सिलेंड्रिकल शेल है जिसका मीन डायमीटर 1250 mm है, उसे बनाया जा रहा है, उसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है बाय यूजिंग 4 mm थिक प्लेट्स, ठीक है। जब भी कोई इंडस्ट्री को ऑर्डर मिलता है प्रेशर वेसल को डिजाइन करने के लिए तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक स्टील प्लेट्स आती है जिसकी थिकनेस 6 mm से लेकर 12 mm तक होती है। और वो डिपेंड करता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट की उसे किस प्रकार की या किस तरह की प्रेशर वेसल चाहिए, ठीक है। ओके तो अब हम यहां पे थिकनेस भी लिख देते हैं। थिकनेस कितनी है 12 mm, कितनी है 12 mm है नहीं सॉरी 4 mm, 4 mm। और थिकनेस क्या है वो ये है, देखिए ये है वो थिकनेस 4 mm हो गया। कहने का मतलब है कि यहां पर मैं बताऊंगा आपको ये दिस इज योर टी, समझ गया। ओके तो अब आगे क्या हो रहा है, इट इज फिल्ड विद नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड अंडर प्रेशर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सॉरी इस वेसल को फिल किया जा रहा है एक नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड से जो कंप्रेस नहीं हो सकता है। ओके अंदर का जो प्रेशर है वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। मैंने ऑलरेडी एक चीज बता दी थी, जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पर जो प्रेशर होगा जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में होना चाहिए। जो एरिया है मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, सॉरी मीटर स्क्वायर में नहीं mm स्क्वायर में होना चाहिए। वॉल्यूम आपका mm क्यूब में होना चाहिए। डायमीटर जो है आपका या लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, ये सब mm में होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जनरली छोटे से कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं, उसकी लंबाई ज्यादा नहीं होती, तो हम मोस्टली सबको ट्रीट करते हैं mm में। एरिया mm में हो गया, मींस mm स्क्वायर में, वॉल्यूम mm क्यूब में हो गया, प्रेशर की वैल्यू, स्ट्रेस की वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर में मींस हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमेशा फ्लूइड मैकेनिक्स में अलग बोलता हूं कि सारी की सारी जो यूनिट होनी चाहिए वो एसआई यूनिट में होनी चाहिए। याद रखिएगा यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एसआई यूनिट नहीं है, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप एसआई यूनिट में भी ले सकते हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि सभी इसी यूनिट को फॉलो करें, ठीक है। ओके तो बाद में क्या लिखा हुआ, दैट इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो यूनिट में हमें चाहिए उसी यूनिट में है, तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरे नंबर पे हुप स्ट्रेस। इस हुप स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ओके अब देखिए ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है ये एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है, ठीक है। और ये जो हुप स्ट्रेस और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, इसका मेरा सेपरेटली वीडियो है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है, तो आप भी देख सकते हैं इसका क्या मतलब है स्ट्रेसेस का, ठीक है। ये स्ट्रेसेस होती है एक तरह की रेजिस्टिंग फोर्स जो प्रेशर वेसल को फटने से मींस बचाती है, ठीक है, और उसी हिसाब से इनकी थिकनेस डिसाइड की जाती है। क्लियर है। ओके अब चलिए इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, तो हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हमें सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, और या फिर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस निकालना है,
ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही है, बट हमें क्या चाहिए, इंटरनल डाया, इंटरनल डाया, तो यहां पे डीआई लिख देता हूं, ठीक है, बट हमारे पास तो मीन डायमीटर है। अब आपको मालूम है, थोड़ा सा और कीजिएगा, कि जो मीन डाया है, देखिए आपका इंटरनल डाया दिया हुआ है यहां से यहां तक, ठीक है, आउटर डाया क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डाया, ये यहां से लेकर यहां तक का डाया, बट ये मीन डाया क्या है, आपके इनर डाया, यानी कि इस पॉइंट से लेके, मैं काम करता हूं, दूसरा कलर लेता हूं, ठीक है, कोई रेड कलर लेता हूं, ठीक है, हाँ, इंटरनल डाया से लेकर यहां तक का डाया, मतलब इन दोनों के बीच का डाया, ठीक है, यहां पर भी ऐसे क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है। तो अब आप साफ साफ देख रहे हैं, ये तो आपको साफ साफ दिख ही रहा होगा कि जो डी मीन है, यहां पर लिखता हूं, डी मीन इज इक्वल टू, डी मीन किससे बना हुआ है, ठीक है, डी मीन किससे बना हुआ है आपका, एक तो इंटरनल डाया से, प्लस ये वाली लेंथ, ये वाली जो है, और एक ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ हम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है ये पूरा क्या है, टी है, पूरा क्या टी है, तो डी मीन जो लगभग होता है, लगभग इसका आधा होता है, समझ में आ गया, ठीक है, तो अगर ये पूरा टी है तो डेफिनेटली यहां से लेकर यहां तक आपका टी बाय टू होगा, और यहां से लेकर यहां तक वाला भी आपका टी बाय टू होगा, वही चीज यहां भी फॉलो होने वाली, मेरा मतलब ऐसे देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको, ये है आपका टी, तो आपका एक काम करता हूं यहां पर थोड़ा सा इसी को मैं ना थोड़ा बड़ा करके बताता हूं, ये भी टी है आपका, ठीक है, ओके, बट आपका क्या बोलते हैं, डी मीन यहां से लेकर यहां तक है, हो गया क्लियर, ओके, तो आपको मालूम है यहां से लेकर यहां तक तो आपका इंटरनल डाया है, ओके, और ये क्या होगा आपका, देखिए अभी हमें ये भी तो चाहिए ना, ये वाला, ठीक है, पूरा अगर टी है तो आधा क्या होगा, टी बाय टू, ओके, पूरा अगर टी है तो आधा क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक टी बाय टू, हो गया, तो आपका जो डी मीन है, यानी मीन डायमीटर किससे बना हुआ है, टी बाय टू से, प्लस एक और बार टी बाय टू से, हो गया क्लियर, चलिए ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें मेन क्या था, आपको इंटरनल डाया निकालना था, इफ यू आर डन विद योर इंटरनल डाया, दैट मींस अभी डी मीन की वैल्यू डाल दी, क्योंकि भाई इंटरनल डायमीटर चाहिए ना भाई, ओके, तो डी मीन इज हाउ मच, दिस इज योर 1250 mm, इंटरनल डाया हमें पता नहीं है, ओके, प्लस टी कितना है, 4 mm दिया हुआ है, यहां पे देखिए 4/2 प्लस 4/2, तो यही आप कैंसिल कर दीजिए 2, ये भी 2, सो 1250, 2 प्लस 2 4, 4 इस साइड आएगा, माइनस साइन हो जाएगा, दैट इज 4, इंटरनल डायमीटर कितना हो गया, दैट इज 1246 इज इक्वल टू इंटरनल डायमीटर, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं जो भी हमें मिला है। अब मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं थोड़े हार्ड हार्ड क्वेश्चंस भी लेते जाऊंगा, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन है काफी सारे, आप देख सकते हैं, हो गया क्लियर, ओके, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये तो हमारा हो गया, आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और सॉल्व करेंगे फ्रॉम लैमिस लेंस थ्योरी, जो थिक सिलेंडर्स में यूज की जाती है थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए, ओके, याद रखिएगा कि ये जो प्रेशर वेसल है, जो भी थिन प्रेशर वेसल्स होती है, ठीक है, थिन प्रेशर वेसल्स आप कैसे पहचानेंगे, अगर इनका जो थिकनेस है, सॉरी, अगर इनकी जो थिकनेस है, ठीक है, वो कम होती है, इवन जो भी आपका डायमीटर होगा उसको 20 से डिवाइड करने के बाद भी, यानी कि डायमीटर का 20th पार्ट से भी अगर थिकनेस कम है, तो दैट मींस ये कौन सी कैटेगरी में आ जाती है, थिन प्रेशर वेसल्स की कैटेगरी में आ जाती है, ओके, और जिसमें ये पॉसिबल नहीं होता, मतलब जिसमें ये नहीं होता, वो थिक वेसल्स की कैटेगरी में आते हैं। थिन वेसल्स में जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है अलोंग द क्या बोलते हैं थिकनेस, वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, ठीक है, चलिए तो जस्ट बताने के लिए था, ओके, सो योर सबसे पहले हम काम कर लेते हैं, मतलब सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, जिसका दूसरा नाम हूप स्ट्रेस है, ठीक है, ये अलोंग द सर्कमफेरेंस एक्ट करती है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके, सो दिस इज योर पी, इंटरनल प्रेशर इज हाउ मच, 10, ओके, ये यूनिट एकदम सही है जो हमें चाहिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, ओके, नेक्स्ट है इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर इज 1246, ओके, 2t2, यानी कि t कितना था, 4, ओके, तो अगर आप देखेंगे कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग अप टू बी 1557.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कैसे आया ये भी देख लीजिए, देखिए 10 की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंटू 1246, ये एमएम में था, 2 की कोई यूनिट नहीं है तो फॉर्मूले का एक नंबर है, ओके, 4 भी यूनिट क्या है, एमएम है, ये कैंसिल कर दीजिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गया। वैसे ही मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी निकाल लेता हूं, दैट इज योर फॉर्मूला क्या है, PDI/4t, तो वही लगेगा, दैट इज योर इंटरनल प्रेशर इज 10, DI इज 1246, ओके, 4 × t, ओके, तो आप देख लीजिए जो वैल्यू आएगी, दिस इज कमिंग आउट टू बी, यहां पर निकाल देता हूं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 778
0.75 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला लिख के, या फिर जो भी आपका सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस आया था उसका हाफ कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस या हूप स्ट्रेस हमेशा ज्यादा होती है आपके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस से। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेकर आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।